आज हम इस वीडियो में बात एक ऐसे मुद्दे की करेंगे जो पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रहा। हम बात कर रहे हैं टूलकिट को लेकर हुए विवाद की। आपने भी अखबारों या टीवी चैनलों पर टूलकिट मामले के बारे में पढ़ा या सुना होगा। इस मामले में ही पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक काफी बवाल मचा हुआ है। गिरफ्तारी पर पक्ष और विपक्ष के कई तर्क सामने आ रहे हैं। दिशा रवि को गिरफ्तार करना सही है या गलत, इस पर तो कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये टूलकिट क्या है और इसका किसान आंदोलन से क्या संबंध है। गोदी मीडिया में टूलकिट को लेकर क्या कुछ चल रहा है, ये आप खुद ही देख लीजिए। क्या अब वे लोग इस देश से माफी मांगेंगे जो टूलकिट गैंग से जुड़ी दिशा रवि जैसे लोगों से हमदर्दी जताते आ रहे हैं? प्लानिंग तो बहुत बड़ी थी, ये तो दिल्ली दंगों से भी बड़ी प्लानिंग थी। 70 लोग बैठ के जो जहरीली मीटिंग कर रहे थे जूम में, आपकी जो भी नाराजगी है वो सरकार दूर करेगी। इन आंदोलन जीवियों और देश विरोधियों के झांसे में मत आइए। जी ने दिखाया टूलकिट गैंग ऐसे घबराया। मोहन धालीवाल का एक ही सपना है कि भारत को मैं तोड़ दूं, भारत की योगा और चाय वाली छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए, भारत की इंटरनेशनल बदनामी करने के लिए वो टूलकिट थी। वो कह रहे हैं कि ये रिहाना कैसे गणेश जी का पेंडेंट डाल के खड़ी हो गई। दिल्ली में दंगों की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, उसे कहा गया टूलकिट। कांग्रेस ब्रिगेड बार बार ये कह रही है कि मात्र 21 साल की लड़की की जांच क्यों रही है। ऐसे तो अजमल आमिर कसाब ने जब मुंबई पर हमला किया वो भी 21 साल का था। इसको पर्यावरणविद बताया जा रहा है, इसने भारत का पर्यावरण प्रदूषित करने की कोशिश की। देश भर में हो रहे हंगामे की जड़ है टूलकिट। इसे सबसे पहले एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्विटर पर शेयर किया था, जिसके बाद से ये मुद्दा मीडिया की सुर्खियां बन गया। पहले जानते हैं कि आखिर ये है क्या और इसे क्या विवाद हो रहा है और किसान आंदोलन से इसका क्या संबंध है। दरअसल टूलकिट एक तरह का गूगल डॉक्यूमेंट है। टूलकिट एक तरह की फाइल होती है जिसमें कई तरह की जानकारी समाहित होती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का नोट या डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी मामले को लेकर काफी जानकारी लिखी होती है। इस डॉक्यूमेंट को इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे को भेजा जाता है या सोशल मीडिया पर किसी चीज का प्रचार किया जाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर आंदोलन या प्रदर्शन में ज्यादा होता है। इसमें जानकारी दी जाती है कि भीड़ को कहाँ इकट्ठा होना है, कौन से नारे लगाने हैं और सोशल मीडिया पर किस हैशटैग के साथ अपनी बात रखनी है और किस तरह से आंदोलन को आगे लेकर जाना है। हाल ही में अमेरिका में ब्लैक लाइव्स को लेकर हुए प्रदर्शन में भी इसका काफी इस्तेमाल किया गया था। इसमें प्रदर्शन को लेकर काफी जानकारी दी गई थी। टूलकिट तो सरकार की तरफ से भी इस्तेमाल किया जाता है अपने प्रोजेक्ट को जनता के सामने रखने के लिए। इसकी जानकारी एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने शो में दी और कुछ और बातें भी बताई। टूलकिट का इस्तेमाल सरकार भी अपनी कई योजनाओं के प्रचार प्रसार में करती है। ट्विटर पर जो लोग इस शब्द को आतंकवादी साजिश का हिस्सा बनाने में लगे हैं, संदिग्ध बनाने में लगे हैं, उनकी मदद के लिए बता दूं कि 16 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था कि पिछले 2 साल में 3,500 से अधिक शिल्पकारों बुनकरों को डिजाइन में सहायता दी गई, 1,000 कलाकारों को टूल किट भी दिए गए, प्रधानमंत्री मोदी #PMInKashi। पीएम ने टूल किट देने की बात की थी। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर भी कई टूल किट हैं, स्मार्ट सिटी का टूल किट, उसमें भी इसी तरह की बातें हैं कि क्या क्या करना है। ऐसे ही आर्थिक मामलों के विभाग ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स इन इंडिया की वेबसाइट पर भी PPP मॉडल के बारे में एक टूल किट डाला है। भाषा में आ रहे बदलाव को समझना चाहिए। अब पहले भाषा में बदलाव किया जाता है और फिर उसकी आड़ में सिस्टम काम करने लगता है। पुलिस ने आरोप लगाया कि ग्रेटा थनबर्ग की ओर से ट्विटर पर किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी टूलकिट साझा किए जाने के बाद जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि ने सख्त कानून UAPA के तहत कार्रवाई के डर से स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता थनबर्ग को अपने पोस्ट को हटाने के लिए कहा था, क्योंकि उस दस्तावेज में उसके नाम का भी जिक्र था। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि दिशा टूलकिट में संपादन करके खालिस्तानी ग्रुप की मदद कर रही थी। इसी बीच निकिता जैकब और शांतनु मुलुक ने बॉम्बे हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत हासिल कर ली। 4 फरवरी 2021 को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान एक गूगल डॉक्यूमेंट टूलकिट के बारे में पता लगा जो ट्विटर पर शेयर किया गया था। इस टूलकिट के एक भाग में प्रायर एक्शन के नाम से कुछ एक्शन पॉइंट्स लिखे थे, जैसे 26 जनवरी और उससे पहले हैशटैग के द्वारा डिजिटल स्ट्राइक करना, 23 जनवरी से ट्वीट स्टॉर्म शुरू करना, 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन। इसी डॉक्यूमेंट के दूसरे भाग में
भारत के सांस्कृतिक धरोहर जैसे योग और चाय को हानि पहुंचाना और भारतीय दूतावास को टारगेट करने जैसे कार्य उल्लेखित हैं। सर्च में यह भी बातें सामने आई कि निकिता और उसके साथी शांतनु और दिशा ने टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट बनाया था। शांतनु का बनाया गया ईमेल अकाउंट इसका ओनर है। और यह भी बात निकल के आई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे ये सभी, जो कि 6 दिसंबर को क्रिएट किया गया था। बेंगलुरु टीम में दिशा को इंटरोगेट किया गया और उसके फ़ोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। दूसरी तरफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 23 फरवरी मंगलवार को टूलकिट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि की जमानत मंजूर कर ली है। 1,00,000 रुपए की जमानत राशि जमा करने का आदेश दिया है। इस गिरफ्तारी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने कुछ तीखे सवाल भी किए हैं। 21 साल की दिशा रवि को दिल्ली की एक अदालत ने बेल दे दी है। 1,00,000 रुपए की 2 श्योरिटीज पर बेल दे दी गई है और ये बेल उन्हें मिली है जज धर्मेंद्र राणा के कोर्ट में। आज का दिन दोस्तों जश्न का दिन है और मैं आपको बतलाना चाहता हूं क्यों, मगर उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप कुछ चेहरों पर गौर करें। पहला चेहरा हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज। अनिल विज ने यह कहा था कि दिशा रवि जैसे युवाओं का समूल नाश हो, यानी कि खत्म कर देने की धमकी कोई और नहीं बल्कि हरियाणा के होम मिनिस्टर दे रहे थे। क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि 26 जनवरी को हिंसा हुई थी, मगर दिशा रवि का उस हिंसा के साथ कोई नाता नहीं था और किसी तरह का कोई लिंक नहीं था। अंतरराष्ट्रीय तौर पर इनके लिंक्स थे, जैसा कि बीजेपी सरकार ने अपनी दलील में अदालत के अंदर कही थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन लिंक था? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये लिंक थी ग्रेटा थनबर्ग। देश में किसान आंदोलन अभी भी जारी है और किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इसके अलावा अब महंगाई ने भी आम जनता की नाक में दम कर दिया है। देखते हैं अब देश में आगे क्या होगा। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।